दोस्तों, हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, परंतु आदि मानव हजारों साल पुराने हैं। आदि मानव के पूर्वज बंदर की खास प्रजातियां हुआ करती थी। जब आदि मानव हुआ करते थे, तब चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करता था। आदि मानव का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता था। जंगल के जानवरों की तरह आदि मानव भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। आदि मानव जानवरों से डरते थे। उनका डरना भी स्वाभाविक ही था, क्योंकि उनके पास कोई खास हथियार नहीं था जिससे कि वह अपनी सुरक्षा कर सके। हर आदि मानव अपने भोजन के लिए दिन भर इधर उधर भटकता रहता था। वे फल फूल पौधों की जड़ें खाकर अपना जीवन गुजर बसर करते थे। अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनके कच्चे मांस को भी खाते थे। लेकिन खतरनाक जानवरों से अपनी जान बचाने में भी उनको काफ़ी मुश्किल होता था। दिन में वो आसानी से अपनी रक्षा कर लेते थे, परंतु रात में अपनी रक्षा के लिए गुफा या फिर पेड़ों पर सोते थे। जानवरों को मारने और जड़ों को खोदने के लिए केवल हाथ ही काफ़ी नहीं थे। ऐसे कार्य करने के लिए आदि मानव लकड़ी को पत्थर की सहायता से नुकीला करके खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमड़ी वाले जानवरों और लकड़ी को काटने के लिए नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं पत्थरों और लकड़ी की सहायता से आदि मानव हथियार भी बनाने लगे। आदि मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया, जो कि आदि मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। ऐसे ही धीरे धीरे पत्थरों की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लगे। इस समय की सभ्यता आदि मानव का पाषाण काल कहलाया। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देखते थे, परंतु उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। आग को आदि मानव सबसे खतरनाक जानवर समझते थे, क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर, चाहे वो शेर हो या हाथी, सब डरते थे। एक बार आदि मानव ने यह गौर किया कि आग पानी के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाती है। फिर आदि मानव ने आग से बचने के लिए नहरों और तालाबों की तरफ भागते थे। पत्थर से पत्थर टकराकर आदि मानव ने आग उत्पन्न करना सीख लिया था। आग आदि मानव के लिए एक सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि आग से रात के अंधेरे में उजाला मिलता था। आग से जानवरों को डरा सकते थे। मांस को भूनकर खाने लगे, ठंडे में आग से शरीर को गर्म करते थे। आदि मानव पशुओं की तरह नंगे रहते थे। समय के साथ आदि मानव अपने शरीर को पत्तियों से ढकने लगे। आगे चलकर आदि मानव ने जानवरों की खाल से भी अपने शरीर को ढकना शुरू किया। जानवरों की हड्डियां और दांत से आदि मानव हथियार भी बनाने लगे, साथ ही इनके आभूषण भी बनाने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।